दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले कि सर्विस प्लस वेबसाइट जो है उसकी तरफ से एक अपडेट आ चुका है। वो क्या अपडेट है पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अपडेट यह है कि सर्विस प्लस ने डेट लॉन्च कर दिया गया है कि इस डेट से, इस तिथि से आप भी ऑनलाइन अपने घर बैठे आवासीय आय जाती ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ही ले सकते हैं। जी हाँ, सर्विस प्लस ये वेबसाइट है जहाँ से आप कुछ दिन पहले अप्लाई करते थे लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सर्विस प्लस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें बता दिया गया है कि आपके ज़िले के कौन सा ज़िला किस दिन से ये सर्विस स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करते हैं, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आवासीय आय जाति बनाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी कुछ ही ज़िला दिखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ ही ज़िले, जैसा कि देख पा रहे 7 जिले, बिहार के टोटल 7 जिले ही यहाँ पे शो कर रहा है। भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास, ये 7 जिला ही अभी यहाँ पे शो कर रहा है। आपके जिला का कब से ये स्टार्ट होगा वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं और नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि आपके जिला का ये आवासीय आय जाति सर्विस प्लस की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 23 नवंबर 2020 को, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं सभी जिला अधिकारी को दिया गया है और विषय में यहाँ देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा यथा जाति आय आवासीय प्रपत्र निर्माण की सेवाओं को सर्विस प्लस पर माइग्रेट किए जाने के संबंध में, यानी कि सर्विस प्लस पे आवासीय जाति की सर्विस को चालू किए जाने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ साथ यहाँ पे एक लिस्ट भी दिया गया है किस ज़िले का कब होने वाला है। यहाँ पे अनुमंडल के हिसाब से दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पटना, यहाँ पे परमंडल के हिसाब से दिया गया है, जैसे कि बिहार में 9 परमंडल है तो 9 परमंडल का अलग अलग दिया गया है। किस परमंडल का कब से ये सर्विस चालू होने वाला डेट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि पटना परमंडल का 24 नवंबर से होने वाला था, वो 24 नवंबर से सर्विस लाइव हो चुका है। इसी तरह देख सकते हैं मगध, मुंगेर, भागलपुर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया में कब होने वाला, यह पूरी यहाँ पे डेट दे दिए लागू करने की तिथि। जैसा कि अगर कोसी पूर्णिया से आप हैं तो 15 दिसंबर से ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी, अगर सारण दरभंगा से तो 10 दिसंबर से, अगर भागलपुर तिरहुत से है तो 7 दिसंबर से ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी, अगर आप मगध या मुंगेर से है तो 2 दिसंबर को ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि ये आपने परमंडल के हिसाब से जान सकते हैं कि आपके ज़िला में कब आवासीय आय जाति जो सर्विस प्लस पे शो करने लगे, कब से ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा नोटिफिकेशन। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस नोटिफिकेशन का आपको चाहिए पूरी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो और छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सके।